नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पीएम विश्वकर्मा। तो यहाँ बात करने वाले हैं कि सिलाई मशीन कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ। यहाँ पर देखिए ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, पोटर्स है, कारपेंटर्स है, और आपका आर्टिसियंस है, और यहाँ पर आपका टेलर भी है। टेलर मीन्स जो टेलर का काम करते हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें सिलाई मशीन जो है मुहैया कराई जाती है। 500 रुपया जो है पर डे ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। 15,000 रुपये का आपको जो चेक है या फिर कैश है या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और यदि आपने लोन फॉर्म फिल करते समय फिल किया है तो वो लोन भी सैंक्शन आपके खाते में किया जाता है। तो जानते हैं पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स, और इस स्कीम का लाभ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं या फिर आप गृहिणी हैं या फिर आप टेलर का काम करते हैं और आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत है, तो इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा। हाउ टू रजिस्टर है, यहाँ आप क्लिक करेंगे या फिर लॉगिन पर जाएंगे, और लॉगिन के बाद जो CSC लॉगिन है यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जो है CSC रजिस्टर आर्टिसियंस है, ठीक है। इससे पहले भी जो है PM विश्वकर्मा से रिलेटेड वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है। और ये स्कीम जो है सिलाई मशीन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, सिलाई मशीन आपको कैसे मिलेगी पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ बताएंगे जो प्रिंटआउट उसका निकलेगा, जो PDF निकलेगी, वो प्रिंटआउट आपको कहाँ जमा करना है और कैसे सत्यापित कराना है, जिससे कि इस स्कीम का लाभ आप जल्द से जल्द ले सकें और आपके खाते में पैसा आ सके, और आपको जो टूल किट मशीन, जो सिलाई मशीन दी जाएगी फ्री में, वो मशीन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम है और आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि आप इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर CSC रजिस्टर आर्टिसियंस पर आपको क्लिक करना होगा। अब बात करते हैं, आप मान लीजिए CSC आपके पास नहीं है, तो आप किसी कैफे पर जाके, किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कैफे के माध्यम से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको CSC ID, CSC पासवर्ड और डालकर साइन इन बटन पर क्लिक कर देना होता है। लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ ऑनलाइन कराने के लिए, और आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगला प्रोसेस आपके सामने है, यहाँ पर आपको नो करना होगा और यहाँ पर भी आपको नो करना होगा, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो कंटिन्यू बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का जो भी या फिर सेल्व कर रहे हैं, जिनका भी है आधार लिंक मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको फिल अति आवश्यक है, नहीं तो अपना पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर करवा लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ फॉर्म को फिल करिएगा, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और टिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ का डालेंगे, किसी कस्टमर का कर रहे हैं तो किसी कस्टमर का नंबर यहां पर और आधार नंबर डाल के आपको कंटिन्यू करना होगा। तो जैसे यहां प्रोसीड किया, चूंकि यहां ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, प्रोसीड विद इन लॉग इन, तो कुछ प्रोसेस यहाँ हो चुका था इसलिए यहाँ रजिस्टर्ड बता रहा है। तो चलिए अब अगला स्टेप हमें मिला है मोबाइल नंबर का, और कैप्चा फिल करके लॉग इन करने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में OTP का ग्रीन बटन यहाँ मिल चुका है, OTP सेंड हो चुका है, और OTP आने के बाद यहाँ OTP डाला जाएगा, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास PC लैपटॉप में आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल होना चाहिए, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन आता है। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई होता है, सीधा बायोमेट्रिक का वेरीफाई करेंगे, और थंब लगाने के बाद जैसे ही वेरीफाई होगा वैसे ही सीधा आपका रिडायरेक्ट होकर आपका पोर्टल जो है, जो डैशबोर्ड पर सीधा पहुंचेगा, पर्सनल डिटेल्स को से आपको फॉर्म को फिल करना होगा। बायोमेट्रिक रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल है, आप उस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बायोमेट्रिक आपका जो थंब इंप्रेशन है कैप्चर्ड होता है, वैसे यहाँ पर आप आ चुके हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर रिडायरेक्ट होते हुए। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये पहले से ही रजिस्ट्रेशन के टाइम का फिल होकर आ रहा है, आधार से वेरीफाई हुआ KYC इसलिए। तो यहाँ पर स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जेंडर, यहाँ आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे आधार कार्ड के हिसाब से KYC कर रहे थे, तो यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर जेंडर जो है मेल की बजाय जो है यहाँ फीमेल आएगा। ओके फ्रेंड्स,
क्योंकि बायोमेट्रिक कैप्चर हुआ है, आधार ही KYC लगी है इसमें बायोमेट्रिक के थ्रू, तो यहाँ जेंडर मेल होगा तो मेल आएगा, फीमेल होगा तो यहाँ पर फीमेल आएगा, ठीक है। फीमेल के बाद यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ दिव्यांगजन है तो यस उन का जवाब देना होगा। उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, यानी कि आप जो सिलाई मशीन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने सेम स्टेट में काम करना चाहते हैं तो यस कर देना होगा। और सेम यहाँ लिखा हुआ आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट में आप सिलाई मशीन का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैनी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो जो आपके आधार KYC हुई है उसके अकॉर्डिंग ये राशन कार्ड नंबर जो है अपने आप यहाँ पर ले लिया गया है, जिसे फैमिली ID बोलते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आधार नंबर पहले से ही है, पैन नंबर ऑप्शनल है, डाले तो डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पैन कार्ड ऑप्शनल है तो आप छोड़ सकते हैं, यदि है तो आप डाल भी सकते हैं, ठीक है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर पहले से ही आपका जो आधार बायोमेट्रिक KYC के थ्रू हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है और राशन कार्ड नंबर भी यहाँ आ चुका है। फैमिली डिटेल्स तो यहाँ पर थोड़ा नीचे करेंगे, फैमिली डिटेल्स जो है अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाती है, जो भी आपके सदस्य राशन कार्ड में ऐड है, अदरवाइज जब अलग से ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर बटन मिला हुआ है ऐड रू का, तो क्लिक करके वहाँ पर अपने सदस्य को भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सदस्यों की डिटेल आ चुकी है, यदि आपका कोई सदस्य छूट गया है उसके बाद आधार नंबर है तो आज यहाँ से ऐड करके आप उस सदस्य को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आधार एड्रेस यहाँ पर आ गया है, अपना आधार एड्रेस चेक कर लीजिए, कोई समस्या लग रही हो तो अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना दूसरा एड्रेस भी यहाँ फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आधार में तो एड्रेस आपका सही होगा ना, तो यहाँ बना रहने दीजिएगा और यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस पर टिक कर देंगे तो दोनों जगह एड्रेस सेम फिल हो जाएगा। यदि आपको एड्रेस चेंज करना है करंट एड्रेस तो यहाँ पर टिक करके दूसरा एड्रेस भी यहाँ फिल कर सकते हैं। अगला स्टेप देख सकते हैं, डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यदि आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद ग्राम पंचायत को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ लिखेंगे डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यस करेंगे सीधा ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ से ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे आप, ओके। यदि नहीं आते हैं शहरी हैं तो यहाँ से नो कर देंगे तो वो ऑप्शन आप फिल कर देंगे यहाँ पर, तरीका लगभग सेम ही है। अब यहाँ आ गया प्रोफेशन ऑब्लिक ट्रेड डिटेल्स, तो यहाँ वही बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सिलाई मशीन योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है मुफ्त योजना वाली, तो वो मुफ्त में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, वो सारे प्रोसेस हम वीडियो के अंदर बताते हैं, वो चल रहे हैं, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, समाधान ज़रूर होगा। तो यहाँ पर देखिए ओपन करते हैं प्रोफेशन ट्रेड नेम, अब कुछ लोग कन्फ्यूजन में है कि भाई यहाँ टेलर का आ रहा है यहाँ सिलाई मशीन तो है ही नहीं, तो यहाँ सिलाई मशीन कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर कई बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप इनमें से संबंध रखते हैं उनको सिलेक्ट करके आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेलर दर्जी जो लिखा हुआ है बस सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं वैसे यहाँ ऑप्शन ये सिलेक्ट हो जाता है टेलर दर्जी। अब आप महिला हैं या फिर आप मेल कैंडिडेट हैं, टेलरी का काम करते हैं या फिर करने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए, पैसे नहीं है आपके पास तो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है आप उसका लाभ लीजिए और इसके लिए अपने प्रधान ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से संपर्क करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए और उसका लाभ आपको मिलेगा। मिलने के बाद आप अपना कहीं काम डाल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और अपने दो पैसे भी कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला है यदि आपको कुछ काम मिल जाए तो दो पैसे भी आप कमा पाएंगे, अपने परिवार का खर्चा भी चला पाएंगे। बहुत ही अच्छा साधन है ये और इसका लाभ आप ज़रूर लीजिएगा, जब आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ ज़्यादा अर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टेलर दर्जी को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद सब ट्रेड में देखते हैं, यहाँ पर कुछ ओपन नहीं हो रहा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब आपको जो है डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और टिक करने के बाद जो है सेम एज एड्रेस आपने टिक कर ही दिया होगा, सेम एज करंट एड्रेस या फिर अदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर रखा है, जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो मेरा सही है इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है। अब आपको जो यहाँ पर सेम बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर पहुँचना होता है। तो यहाँ अगला स्टेप सेविंग बैंक डिटेल्स का है, जहाँ पर आपको अपनी बैंक क्लिक करनी होती है, IFS कोड डालना होता है, सर्च करना होता है, आपकी ब्रांच यहाँ पर शो कर जाती है, उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना होता है। जो भी बैंक अकाउंट यहाँ फिल करेंगे वो चालू होनी चाहिए, आधार KYC से युक्त होनी चाहिए, जिससे कि लेन देन में या पैसा आपके खाते में आने में कोई समस्या ना हो। यदि आप क्रेडिट सपोर्ट चाहते हैं, वी डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट, यानी लोन लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट जो किस्त रहेगी वो 1 लाख तक का है, दूसरा जो है 2 लाख तक का है, टोटल 3 लाख का लोन है यहाँ पर 5% के इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर यस करेंगे, यस करने के बाद लोन की संख्या यहाँ पर 1 लाख तक आप फिल कर सकते हैं, सेकंड टाइम में आप 2 लाख तक फिल कर सकते हैं। अकाउंट यदि सेम रखना चाहते हैं ऊपर वाला, तो सेम एज सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं।
लोन पर्पज क्या है, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल इफ अप्लाई, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले से लोन लिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर नीचे बने हुए कॉलम में दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आर यू डिजिटली एक्टिव, मतलब UPI फोन पे वगैरह चलाते हो तो यस करना होगा, और ऐड बटन पर क्लिक करके यहाँ पर UPI आईडी का ऑप्शन आता है, UPI आईडी डाल देंगे आप, और मोबाइल नंबर जब डालना चाहते हैं तो लिंक मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, ऑप्शन है छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना होगा और नेक्स्ट बटन पर अगले स्टेप के लिए क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने स्किल ट्रेनिंग, यू आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर बिलो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 5 डेज का स्किल ट्रेनिंग रहेगा और 5 दिनों तक आपको 500 रुपये पर डे मिलेगा, एडवांस 15 दिन की ट्रेनिंग लेंगे तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा इंसेंट यानी खर्चा पानी, ठीक है। टूल किट जो रहेगी, वंस यू आर रजिस्टर्ड एंड स्किल ट्रेनिंग क्रेडिट यू विल बी गिवन ग्रांट रेट्स 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये कैसे आपका अप्रूव होगा, फॉर्म जो आप फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे वो कैसे अप्रूव होगा, ठीक है, तो उसके लिए प्रोसेस हम आगे बताने वाले हैं। और मार्केटिंग कोई सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप कोई ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म के सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, डिक्लेरेशन पर हम आ चुके हैं, यह देख सकते हैं ग्रीन पर टिक लग चुका है, उसके बाद जो डिक्लेरेशन है टिक करेंगे आई एग्री पर, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले फॉर्म को अच्छे से चेक करना होगा, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाता है, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा सबमिट करने के बाद। इस प्रकार एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है यहाँ पर, अब आपको डन कर देना होगा। डन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा, और रीडायरेक्ट होने के बाद स्टेप 1 स्टेप 2 आपको यहाँ कम्प्लीटली दिखाई देंगे, बट स्टेप 3 है वो आपको कम्प्लीटेड नहीं दिखाई दे रहा है और सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है। अब सर्टिफिकेट जनरेट कैसे होगा, जब तक आप ये जो डाउनलोड वाला देख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पर प्रिंट आउट को डाउनलोड नहीं करेंगे, PDF में डाउनलोड करके उसका प्रिंट करना होगा, उस प्रिंट को अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की सहायता से उनके पास जाएंगे, और वहाँ जाकर वो फॉर्म को सत्यापित कराना होगा, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान के माध्यम से उस फॉर्म को सत्यापित कराना होगा। जैसे ही वहाँ से सत्यापित होगा, अप्रूव होगा, ऊपर के लिए भेज दिया जाता है और आप उसके लिए पात्र हो जाते हैं, और यहाँ स्टेप 3 जो है वो लिंक जो है जनरेट हो जाता है, स्टेप 3 हो जाता है, और यहाँ से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ दिन बाद आपके पास कॉल आता है, और आप कॉल के माध्यम से वहाँ जहाँ आपको स्थान चिन्हित किया जाएगा आपके ज़िले में या फिर कहीं और, वैसे तो ज़िले में फॉर्म अप्लाई किया तो ज़िले में ही चिन्हित किया जाना चाहिए, तो आपको जाना होगा वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। 5 डेज़ का ट्रेनिंग लेंगे या फिर 15 डेज़ का ट्रेनिंग लेंगे, 500 रुपये पर डे और 15,000 रुपये का जो टूल किट होता है वो, और यदि लोन अपना भला है तो लोन भी आपको वहाँ से मुहैया कराया जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स स्कीम श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा, जो उनके जन्मदिन पर लागू की गई थी, बर्थडे पर PM विश्वकर्मा, ठीक है। इसके PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन रखते हैं जो इस लिस्ट में आ रहे हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि सिलाई मशीन जो गृहिणी महिलाएँ हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो आगे के लिए काम करना चाहती हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, सिलाई मशीन के माध्यम से एक अच्छा अपना प्रोफेशन चुन सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, स्कीम का लाभ ले सकती हैं। मेल कैंडिडेट हैं, टेलरी का काम कर रहे हैं तो उनका व्यवसाय है टेलरी का, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।